सीखेंगे सर्कल से हैप्पी और सैड फेस बनाना। हैप्पी और सैड फेस विदाउट इरेजिंग एनी लाइन हम कैसे बना सकते हैं। हमने ये कलर लिया, डायरेक्ट हमने कलर के साथ बनाना है। हमने सर्कल को अच्छे तरीके से ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है। हमने यहाँ से ऐसे बनाना शुरू करना है और ये हमने ऐसे राउंड करते जाना है। और ये हमने सर्कल ट्रेस किया। जब हमने अच्छे तरीके से सर्कल ट्रेस कर लेना है, इसके बाद ये हमने दो सर्कल ड्रॉ किए, हैप्पी सैड, हैप्पी एंड सैड। अब हम इसमें आईज और इसके लिप्स और नोज कैसे बनाएंगे, ये हमने थंब रखा है, थंब के इस तरफ भी डॉट और थंब के इस तरफ भी डॉट, ठीक है। अगर आप छोटे बच्चे हैं, आपका थंब स्मॉल है, तो आपने ऐसे टू फिंगर्स रखनी है, फिंगर के इस तरफ भी डॉट, फिंगर के इस तरफ भी डॉट। अब हमने ये इसकी कार्टून वाली आईज बना लेनी है, यहाँ भी ये हमने इसकी कार्टून वाली आईज बनाई। ये डायरेक्ट हमने कलर के साथ ही काम करना है ऐसे। अगर यहाँ भी हमने ये इसकी कार्टून वाली आईज बना लेनी है, आईज दोनों की सेम बनेंगी। ये हमने यहाँ पर ये इसका हैप्पी, ये बच्चा हैप्पी है, हमने इसका हैप्पी फेस बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसी कर्व लाइन को, इसी कर्व लाइन को हमने उल्टा कर देना है। ये हो गया सैड फेस, ठीक है। सैड, ये बच्चा सैड है और ये हैप्पी, ये हमने हैप्पी और ये सैड फेस बनाया। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसके बाल बनाना चाहते हैं या नहीं। इसके बाल बनाने के लिए हमने जस्ट लगानी है वेवी लाइन, ये वेवी लाइन, यहाँ भी वेवी लाइन। अब या तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ऐसे कलर करें, ये हम इसमें ऐसे कलर भी कर सकते हैं। कलर की डायरेक्शन एक ही रखनी है, ऐसे और ऐसे नहीं करना, हम इसमें कलर करेंगे। अब ये जो हमारा बालों का स्टाइल है, ये हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये हमने कलर को शार्प करना है। कलर को शार्प करने के बाद ये जितना इसका एक्स्ट्रा रबिश है, ये हमने पेंसिल वाला ये जो ये हमने फेंक देना है। और यहाँ पर ये जो इसका ये रबिश है, ये मैंने पेंसिल शेप इसको मैंने ऐसे पकड़ा और ये मैंने अपनी फिंगर के साथ ऐसे करना शुरू किया। ये देखें, ये बालों के अंदर इतना खूबसूरत कलर हो जाएगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और कलर बाहर भी नहीं निकलेगा और बिल्कुल रियल बालों वाला लुक आएगा इसका। जैसे ये हमने सिर्फ पेंसिल का जो कचरा होता है, जिसको हम कचरा समझकर फेंक देते हैं, हमने उसको यूज़ करना है, ठीक है। अब हमने इसके फेस में भी बिल्कुल ऐसे ही कलर करना है। अब ये हमने फेस कलर लिया है, ये फेस कलर को भी हमने ऐसे ही शार्प करना है। ये देखें, ये अब जब हम सारा फेस बना रहे थे, जब हम कलर करेंगे, हमारी यही कोशिश होती है कि ये जो कलर है ना, ये हमारे ख़राब ना हो। अब हमने ये फेस कलर इसके अंदर ऐसे, ये फेस कलर जो है इसको इकट्ठा किया और ये हमने इसमें फेस कलर करना शुरू कर देना है। ये ऐसे इसके अंदर बहुत प्यारा इसके अंदर ये फेस कलर हो जाएगा, जैसे ये हम लोगों की असल वाली स्किन होती है। और ये कलर हमारा बाहर भी नहीं फैलेगा और ये फेस कलर होना शुरू हो जाएगा। एक ही हमने सर्कल के साथ ना आईज नोज इसकी सेम, और हमने हैप्पी और सैड फेस बनाना है ना, यही वाला रबिश हमने उठाकर यहाँ पर दूसरे वाले फेस में ले आना है। और ये हमने ऐसे कलर इसकी फिंगर के नीचे ऐसे रख के ये करते जाना है पूरे हमने इसमें, ठीक है। इसके बाद हमने एक्स्ट्रा रबिश फेंक देना। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसके ये ईयर्स बनाने हैं तो बना लें, जैसे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। हैप्पी फेस, सैड फेस बनाएं और अपने फ्रेंड्स को कार्ड्स बनाकर दें, ओके।